हेलो जी, जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली गाइस। आज बहुत दिन हो गए कुकिंग में कुछ नया सा ट्राई नहीं किया, वही पंजाबी फूड वगैरह। तो आज कुछ मेरे बच्चों का भी मन था कि कुछ पनीर की रेसिपी हो, पर डेली डेली वही पनीर भुर्जी, पनीर दो प्याज़ा, पनीर बटर पनीर, ये सब खा खा के ना बहुत हैवी हैवी परेशान हो गई। तो आज मैंने सोचा कि बनाती हूँ लाहौरी पनीर। लाहौरी पनीर की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, तो आइए मिल के बनाते हैं लाहौरी पनीर। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इन माई स्टाइल लाहौरी पनीर। स्टे ट्यून विद अस। तो गाइस चलो चलते हैं, करते हैं अपने लाहौरी पनीर बनाने की तैयारी। सबसे पहले हमने ले लिया ये कढ़ाई, यहाँ पे लंबे लंबे से पतले पतले हमने पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लेंगे, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी उस हिसाब से आप देख लेंगे। और इसको करेंगे हम अब मैरिनेट, इसको मैरिनेट करते हैं और इधर बनाते हैं अपना मसाला। मैरिनेशन के लिए डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल, और साथ में डालेंगे हम इसमें देगी मिर्च 1 टेबल स्पून, इसमें डाल देंगे नमक अपने स्वादानुसार, और साथ में डाल देंगे इसमें हम मैरिनेशन के लिए देगी मिर्च, जो कि रंगत बहुत अच्छी देगी गाइस। इसमें टेस्ट नहीं होता, ये जस्ट रंगत के लिए होती है। इसको कर देंगे हम मैरिनेट और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे, जिससे कि इसका कलर टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये हमने कर दिया पनीर को मैरिनेट। इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए आफ्टर मैरिनेशन। और गाइस इधर हम ले लेंगे अपना कढ़ाई या पैन, जो भी आपको चाहिए, और इसमें डालेंगे हम ऑयल इसके तड़के के लिए, और होने देंगे इसको थोड़ी देर गरम। इसमें डालेंगे हम 2 से 4 काली मिर्च। साथ में इसमें डालेंगे 2 से 3 लौंग, मोटी इलायची भी इसमें डालेंगे गाइस मसाले में, बट वही मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज मोटी इलायची नहीं है। आप इसमें मोटी इलायची भी डाल सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, इसको हमने दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना पाउडर की तरह। यह हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे प्याज की क्या हालत है। सो गाइस इधर हम करेंगे आप अपने पनीर को फ्राई, डालेंगे ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल जब तक गर्म होता है इसमें डालेंगे हम अपना मैरिनेट किया हुआ पनीर, जिसको हम करेंगे शैलो फ्राई। ठीक है जी, चलिए गाइस अब डालते हैं इसमें हम अपने पनीर के क्यूब्स, जो कि हमने लंबे लंबे स्लाइसेस काट के रखे हैं। देगी मिर्च डालने से इसका रंग बड़ा चेंज हो जाता है, और ये खाने में तीखी नहीं होती देगी मिर्च, जस्ट फॉर एक टेक्सचर देने के लिए, रंगत देने के लिए यूज़ करते हैं देगी मिर्च। और मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ देगी मिर्च। और ये देखिए मैंने इसके क्यूब जो कि मैरिनेट करके रखे हैं 10 मिनट से, इसको कर रही हूँ फ्राई। माँ बाप बच्चों से कोई उम्मीद ना रखते हैं, पर बच्चे उनको तो मुँह का स्वाद चाहिए। पर वही है कि अफ्टर कोविड में थोड़ा अवॉइड करती हूँ बाहर का, जो खाना है घर पे ही बनाना ठीक है। इसलिए मैरिनेशन कर ली है जी अपने तो
जब तक ये होता है लाल। जब तक हो रहे हैं हमारे प्याज ये ज़्यादा ब्राउन करने हैं हमें, जब तक ये हो रहे हैं ब्राउन हम इधर कर लेते हैं अपना तैयारी मसालों की। सबसे पहले हमने इसे पुट करा थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पनीर में भी डाल सक चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से। और उसके बाद हम लेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, उसके बाद हम लेंगे एक टेबल स्पून पिसा धनिया, उसके बाद हम लेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, उसके बाद हम लेंगे एक टेबलस्पून देगी मिर्च, और इसमें कर लेंगे हम इसमें कर लेंगे गाइस हम थोड़ा सा ऐड वाटर। जब भी आप कोई सब्जी बनाओ अगर आप इस तरह से मसालों को घोल के डालोगे तो उसका अलग ही कलर आएगा, टेक्सचर आएगा। ये हमने कर लिए मसाले ऐड, अभी हमारे हो रहे हैं अनियन रेड जी, ये मसाले हमने कर लिए रेडी। सो गाइस इधर हो रहा हमारा पनीर रेड और इधर हो रहे हैं हमारे प्याज रेड, थोड़े से और लाल हो जाएं तो हम इसमें करेंगे मसाले को सकने। तो देखिए गाइस ये हो गया हमारे अनियन रेड और जो मसाला हमने बनाया था ये वाला, ये मसाला हम कर देंगे इसमें ऐड अच्छे से हिला के। और देखिए गाइस कितना अच्छा टेक्सचर आ गया। जब भी आप कोई सब्जी बनाओ तो अगर आप मसालों को घोल के डालते हो तो उसका एक अलग सा ही टेक्सचर आता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 2 बड़े चम्मच दही, जो कि मैंने इसको निकाल के रखा है ये, और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि दही जो हमारा है ये फटे ना। सिम पे रखेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा दही फटे ना, और 2 से 3 मिनट हम दही को मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे हिलाते हुए। ये देखिए गाइस जो भी हमारा ये लाहौरी ग्रेवी होती है ये हमेशा ब्राउन या रेड शेड में होती है, या बहुत ब्राउन होगी या रेडिश होगी। ये देखिए अच्छे से हमारा दही जो है इसमें अच्छे से मसालों में मसाले भून चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए ग्रीन धनिया, पहले डालेंगे हम ग्रीन धनिया जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्ट लगता है इसमें। ये हमने डाल दिया जी धनिया, इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिए के बाद गाइस हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। देखिए मसालों ने कैसे रंग दिखाया अपना, और अब मैं डाल दूंगी इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक होने देंगे टमाटरों को अच्छे से, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लाहौरी मसाला जो कि हमने बनाया था। ये हमने लाहौरी मसाला पुट कर दिया इसमें 1 टेबलस्पून, क्योंकि लाहौरी पनीर है तो लाहौरी मसाला इंग्रेडिएंट बहुत मस्त इसमें। इसमें जस्ट एक मोटी इलायची छोड़ के मैंने खड़े मसाले डाले हैं। अब इसको हम रख देंगे 2 मिनट के लिए जब तक ये इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, सिम बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के। तो भाई 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे हम ताकि सारे मसाले टमाटरों में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखते हैं 2 मिनट बाद। आइए गाइस
एक से डेढ़ मिनट हो गया है, ये देखती हूँ। वाह जी वाह, ये देखिए मसाले हो गए हैं मिक्स, और साइड पे जो ये पानी मैंने डाल दिया था उस वजह से ये थोड़ा घी अभी छोड़ा नहीं है मसाले में, थोड़ा सा घी और छोड़ दें। चलिए गाइस देखते हैं, देखिए मसालों ने छोड़ दिया है घी अपना, और यहाँ पे अब मैं पुट करती हूँ अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट जो कि है कसूरी मेथी। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है गाइस, और टेक्सचर तो आप देख ही सकते हो, कुछ नया पनीर में ट्राई करना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और अब हम इसमें कुक करेंगे जो पनीर हमने फ्राई कर लिया था, वो थोड़ा पनीर मेरा मैंने क्यूब्स इसकी छोटी की थी इसलिए थोड़ा टूट गया है, और इतने बड़े बड़े पीसेस नहीं रखे मैंने, छोटे छोटे पीस रखे हैं। आगे हमारा पनीर इसमें, और बड़े हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर होता है बहुत ज़्यादा नाजुक। ये लीजिए, ये हो गया जी हमारा लाहौरी पनीर रेडी इन पंजाबी स्टाइल। पनीर लाहौरी है पर है इन पंजाबी स्टाइल। सो गाइस थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम गर्म पानी, ताकि बिल्कुल ही ये ठोस सा ना लगे, बिल्कुल थोड़ा ढीला ढीला ग्रेवी हो जाए इसकी थोड़ी सी। ये हमने इसमें गर्म पानी ऐड ऑन कर दिया है, और इसको हम अब 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, 2 या 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे गाइस, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से डिश में मिक्स हो जाएं। 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। लिक्विड वाटर हमने इसमें डाल दिया है, और आप देख सकते हो इसकी शक्ल कैसी आई है। थोड़ा सा मैंने पनीर के क्यूब्स छोटे काटे हैं क्योंकि बड़े बड़े क्यूब्स कोई पसंद नहीं करता हमारे घर में। आप अकॉर्डिंग टू अपना टेस्ट अपने हिसाब से काट सकते हो पनीर के क्यूब्स, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये, नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए तो बहुत कुछ है, बट वेजिटेरियन जो है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया लाहौरी पनीर की रेसिपी। अब देखते हैं आफ्टर 2 मिनट्स क्या हाल है हमारी सब्जी का। चलिए गाइस ये हो गए हमारे 2 मिनट्स, देखते हैं हमारी सब्जी। ओह माय गॉड, ये जो ऑयल रिलीज हुआ है ना, इसे कहते हैं सब्जी का सही तरीके से बनना। और जो गाइस इसमें एक मोटी इलायची को छोड़ के मैंने सब डाला है मसाले, और आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया हमारा लाहौरी पनीर रेसिपी इन माय स्टाइल। आपको मेरे हाथ की कौन सी रेसिपी देखनी है, मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल विद माय रेसिपी। चलिए जी, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, जल्दी से जल्दी मिलेंगे अपने रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू।